तो यहाँ पे अभी 10 इंच का स्नो गिरा है। बहुत सारा जगह में पावर नहीं है, तो लकीली हमारे घर में पावर है, बट ये सब क्लीन करना पड़ रहा है। देखो देखने में अच्छे लग रहे हैं, बट जब क्लीन करते हैं तो पता चल जाता है कि कैसा है। तो ये मेरा नीस काम कर रहा है, उसका पास एक्सपीरियंस है। ये जब भी स्नोफॉल होता है हमारी फैमिली पूरा स्नो क्लीन में लग जाती है, और मेरा एक नीस्ट है वो भी काम कर रही है, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दिखिए उसको सिखा रही हूँ कि स्नो क्लीन कैसे करते हैं, तो वो पहले कभी स्नो क्लीन नहीं किया, तो वो अभी स्नो क्लीन कर रही है। यहाँ पे डेक के ऊपर काम कर रहा है महेश और हमारा छोटा बेटा आर्यन। बस आर्यन बहुत शाय है, उसको मैं फोन से नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना स्नो गिरा है, तो यही है आर्यन। हम मैं छुप छुप के विंडो से उसका वीडियो ले रही हूँ, सो वो बहुत शाय है इसलिए मैं वीडियो फोन से नहीं ले पाई। मैं काम करके थक गई हूँ, वो लोग भी फिर आई है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। यस मुझे बुला देना। मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ स्नोफॉल का नज़ारा। देखने में इतनी अच्छी लगती है कि ओ माय गॉड कितने ब्यूटीफुल होते हैं ना, बट स्नो क्लीन करने के टाइम पे पता चलता है कितना हैवी होती है। यहाँ पे देखिए रूफ़ के ऊपर कितना स्नो है। ऐसा होने से क्या होते है, रूफ़ ख़राब हो सकते हैं, सो हम लोग ऊपर से भी निकाल देते हैं। सो हम लोगों ने पूरा क्लीन कर दिया, सो सबका ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने वर्कआउट किया। सो मीन्स कभी भी मीन्स अच्छा भी लगता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आऊँगी एक नया वीडियो लेके आप लोग के पास, तब तक अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।